दुनिया में जब हम और आप आए, बच्चा रोया और चीखा चिल्लाया, और जैसे ही रोया चीखा चिल्लाया ऐलान हो जाता इमाम साहब को बुलाओ कान में अजान पड़ी जाएगी। बोलो होता नहीं होता? अजान कई मौके पे पड़ी जाती है। क्या पड़ी जाएगी बोलो? यार यहां भी तुम्हें इमाम की जरूरत पड़ रही है, तुम्हें अजान तक याद नहीं होती। अजान पड़ेगा कौन? अब्बा पड़ेगा, दादा पड़ेगा, भाई पड़ेगा, चचा ताऊ पड़ेगा, कैसे पढ़ पाएगा? सब के सब तो नापाक है। कोई भी इस लायक नहीं है जो बेटे के कान में अजान पढ़ दे, भतीजे के कान में अजान पढ़ दे। अगर हाफिज मौलाना तो बात अलग। मगर सुनो अल्लाह ताला फरमाता इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अगर पैसे लेने के नियत से अजान पड़ेगा तो अजान भी खत्म है। आप जरा सुनो मैं जो बता रहा था। यार इस लायक नहीं है। अगर किसी के बच्चे के यहाँ हुआ और अजान नहीं पड़ी और इमाम किसी वाजिबी काम से, फर्जी काम से, जरूरी काम से चले गए और उसके बच्चे के कान में इमाम ने अजान नहीं पड़ी, अब सबसे बड़ा दुश्मन ये नमाजी इमाम का हो जाता है। कोई गैर मुस्लिम नहीं होता है, कोई अनपढ़ नहीं होता, जो मस्जिद में जा रहा नमाजी वो होता है। सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है नमाजी। तो तुम तो नमाजी थे यार, तुम्हें तो थोड़ी चीज आनी चाहिए थी। अजान पड़ी जाती, अगर मैं पूछ लूं इतने लोगों में, लोगों बताओ अजान कितनी मर्तबा पड़ी जाती है, तो तुम्हारे गांव में कितने बच्चे पैदा हुए होंगे मुश्किल से लोग बता पाएंगे। अगर पूछूं दाहिने कान में अजान कौन सी पड़ी जाती है और बाएं कान में अजान कौन सी पड़ी जाती है तो मालूम ही नहीं। और वैसे तोफ गिनती मारेंगे, इतने इतने बड़े मुफ्ती बनेंगे चौराहों पे खड़े होके ना, इतने इतने डींगे हाँकेंगे कि मैं ये हूं, मेरा अब्बा ये था, इतने हज कर लिए थे मैंने, इतने जलसे कराए मैंने, यू करा मैंने, यू करा। एक छोटी सी बात नहीं सीख पाया, जरा सी बात तवज्जो रखना। अजान सबको याद होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दो अब आएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान हो गई। अब याद रखियो सबक यहीं से, कुछ लेके भी जाना। अजान याद हो गई, अगर घर में बच्चा पैदा हो तो दहने कान में बच्चा इस तरीके से लेटा हो, उसके सामने खड़े हो करके अजान पढ़ो, दहने कान में फूंक दो फिर तकबीर पढ़ो, बाएं कान में फूंक दो। तकबीर में क्या? कद कामत सला, कद कामत सला, ये दो लफ्ज पढ़ती है। इतना भी काम नहीं कर सकते, इतना ये छोटे छोटे काम, इतना काम सीख सकते हो मगर नहीं, कोई भी नहीं सीखता। अजान हो गई, तकबीर भी हो गई, अब जमात बाकी है। अजान इनके कान में हुई है, तकबीर भी इनके कान, अब जमात भी इन्हीं की होनी है, इतना टाइम बाकी है। अब पता नहीं एक लम्हे का और पता नहीं 80 साल का 100 साल का, मगर इंतजार में ये रहना चाहिए कि एक अजान भी हो गई है, तकबीर भी हो गई है, फुल तैयारी में रहे।
हर वक्त पाक साफ रहे और अच्छी मौत के लिए दुआएं करे। किसके लिए दुआएं करे बोलो? अच्छी मौत के लिए। बहुत लोग हमारे पास फोन करते हैं दुआ के लिए, किसी को कैंसर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सारे लोग दुआ, किसी का औलाद नहीं, किसी का कारोबार नहीं, किसी का बरकत नहीं, बहुत फोन आते हैं और बहुत लोग मिलते हैं तो दुआएं कराते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं दिल में ये सोचते हैं अजान हो गई, तकबीर हो गई, बस हजरत ये दुआ कर देना, खात्मा ईमान पर, खात्मा ईमान पर हो जाए। ये दुआएं कोई कराता ही नहीं यार, ये तो सोचता ही नहीं, को किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र है तो क्या है, दो एकड़ जमीन है तीन हो जाए, एक घर है दो हो जाए, एक गाड़ी है दो हो जाए, छोटा मोबाइल है बड़ा हो जाए, जूते 100 रुपए वाले 500 वाले पहनने लगूं, कपड़ा 100 रुपए मीटर का पहनता हूं 500 का पहनने लगूं, मेरी समाज में बात हो जाए, 2400 घंटे इसमें लगा हुआ है, जहर उसी में लगा दिया है, यहां तक के बढ़ने के लिए, एक मकान बड़ा करने के लिए और घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, सारी चीजें करने के लिए, शादी में दुनिया भर का खर्च करने के लिए, हराम हलाल भी नहीं देखता, हराम हलाल भी नहीं देखता, क्योंकि मजबूरी ऐसी बना दी है लड़के वालों ने, रिश्ता हो गया, सारी बातें हो गई, अब उसे अटका लिया, अटकाने के बाद कहता सुनो बारात आएगी तो अब मैरिज हॉल में ही आएगी, मेरी बारात को कोरमा भी चाहिए, इतने तरीके का खाना भी चाहिए, अब वो बीबी का जेवर रखे, जमीन रखे, किसी से उधार ले, चोरी करे, डकैती करे, चाहे कुछ भी करे, उसे बिचारे को करना पड़ेगा। क्या ये सोच बदल नहीं सकते हो? लेकिन बदलने का तरीका कब होगा? हाँ, अब लाइव सुन लो, मोबाइलों में सुनो, सारे लोगों को, हमें, आपको, हमें सभी सी को देखना होगा, अजान हो गई है, तकबीर हो गई है, नमाज का इंतजार करो, नमाज का, और हर वक्त अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम वमन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। ये दुआ किसी को भी याद नहीं होगी, अल्लाह बरकत अता फरमा, ये दुआ किसी को भी याद नहीं होगी, एक को भी याद नहीं होगी, एक को भी, मालूम है ये क्या है? नमाज जनाजा बहुत लोग पढ़ते हैं, मगर आज से ये थोड़ी थोड़ी ठोकर लगाऊंगा ताकि समझ में आ जाए, नमाज जनाजा क्या नहीं सीख सकते हम लोग? सीख सकते हैं, मगर इतनों में यहां से लेकर के यहां तक सबको खड़ा करके एक एक करके नमाज जनाजा अगर सुन लूं मैं तो मुश्किल से ये जो नमाजी लोग हैं ना इनके ही याद हो सकती है, बाकी नौजवान छाई के कुछ भी याद नहीं होगा। मोबाइलों में नौटंकी बहुत याद होंगी, उल्टी सीधी बातें याद होंगी, क्लिपें याद होंगी, सारी चीजें याद होंगी, मोबाइल को सही इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, नमाज जनाजा याद नहीं कर सकता। नमाज जनाजा है क्या यार? तुम अपने अब्बा को नहीं, अपने अब्बा की नमाज नहीं पढ़ सकते, नियत बांधी अल्लाह अकबर कहकर के सुबहाना पढ़ ली, एक लफ्ज बढ़ती है, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व जल्ला सनाउक व ला इलाहा गैरुक, अब अल्लाह अकबर कहकर के दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अब अल्लाह अकबर कहकर के दुआ पढ़ ली, अब अल्लाह अकबर कह करके सलाम फेर दिया, इतनी नमाज है जनाजा, दुरूद भी याद है तुम्हारे, सुभाना भी याद है तुम्हारे, दुआ याद नहीं होगी यार। दुआ है कितनी सी, एक मिनट की है, दुआ है कितनी, एक मिनट की, वो दुआ है क्या मालूम है तुम्हें? शायद अगर, क्योंकि मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, एक तो मुश्किल से गर्माहट आई है, ठंड बहुत ज्यादा है,
ठंड बहुत ज्यादा, जिस अंदाज में सुन लो ना इसी अंदाज में सुन लो। यहां पर जनाजा रखा, समझे? ये बात ना, एक बात और बता दूं, किसी मौलवी को मैं बुरा कहने का हक नहीं रखता हूं, और अल्लाह बरकते फरमाए, अगर कफन काटने का नंबर आ जाता ना कफन, तो जो पुराने लोग हैं ना, पुराने बूढ़े बुजुर्ग, उनको ही मालूम है कि कफन कैसे कटता। ये मुफ्ती भी हो गए, मदरसे में पढ़ के भी आ गए, मौलाना भी हो गए, इन्हें कफन काटने का भी तरीका मालूम नहीं। गुस्ल अगर दिया जाए मुर्दे को तो उन्हें यह भी पता नहीं है गुस्ल कैसे दिया जाएगा, मालूम नहीं है। ये सारी चीज देखो, एक बात बताऊंगा मैं, तुम जब बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो तो तुम एक तरबियती कैंप नहीं लगा सकते हो क्या? किसी आलिम को ये सारी चीजें एक मौजू दे करके 10,000 रुपए दो, 10-20 लड़के इकट्ठे होकर के, और नौजवान तुम नहीं सीख सकते हो क्या? ज्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से एक महीने में सारी चीजें सीख जाओगे। एक महीना भी, एक महीने में एक घंटा तुम चौराहों पे, मोबाइलों पे, सब पे लगा ले तो एक किसी का मकान ऐसा हो, बैठक ऐसा हो, अपने सैयद साहब से कहो, हजरत हम तुम्हें इसका नहीं दे रहे तोहफे में, तुम 10,000 रुपए, 10 ही नहीं जितने भी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, वो तो मैंने एक बात बता दी 10,000, कहीं सोचो कि 10,000 में ही चल लिया मामला, ऐसा कुछ नहीं, तोहफे में दो हुजूर, हम नमाज जनाजा सीखना चाहते हैं, बस 15 दिन में सुनाओ, 8 दिन में सिखाओ, हमें सिखाना है। वो 8 दिन या 15 दिन में उस एतबार से इंशाल्लाह पक्की करा दे, बोलो नहीं हो जाएगी क्या नमाज जनाजा? सारे लोगों को मालूम हो जाएगी, मगर पता ही नहीं, जनाजा इधर और आधे उधर खड़े, आधे उधर खड़े इंतजार में है कि जनाजा लेके चले तो हम पीछे, काय को पीछे पीछे जा रहे हैं जब तूने नमाज ही नहीं पढ़ी, नमाज ही नहीं पढ़ी तो काय को लेकर के जा रहा है। अल्लाह अल्लाह सुनो, दुआ किया करो, नमाजों के बाद दुआ किया करो, ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, सबसे बड़ी दौलत यही है, बाकी सब कुछ रह जाएगा, मकान भी रह जाएगा, दुकान भी रह जाएगी, औलाद भी रह जाएगी, सारी चीजें रह जाएंगी, ईमान साथ लेकर के जानो, दुआ करना है अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, चलते फिरते उठते बैठते अपनी आदत बना लो। क्या करना पड़ेगी बोलो? अपनी आदत बनानी करनी पड़ेगी। अभी मोबाइल बंद रखो बेटा, अपनी आदत बना लो, अच्छी चीजों की आदत बनाओ। अब साहब आ गया, यहां पे जनाजा रखा हुआ, यहां पे कहीं पे जनाजा रखा हुआ, उसकी दुआ कहां से शुरू होती है? अगर पूछ लूं यहां से लेकर के यहां तक, किसी को मालूम नहीं रहता। मिट्टी देने की दुआ मालूम है? वैसे मिट्टी सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, जिसका मौका मिले सब उसमें जा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये जो मैंने आयत पढ़ी है ना, 16वें सिपारे की आयत जो है, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये मिट्टी देने की दुआ है। ये काय की दुआ? कै मुट्ठी मिट्टी दी जाती है? कितनी दी जाती है बोलो? 3। पहली मुट्ठी पे क्या पढ़ते हैं बच्चों के? याद है माशाल्लाह, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और पढ़ी मिनहा खलकनाकुम, दूसरी उठाई वफीहा नुईदुकुम, तीसरी उठाई वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अच्छा, जो चीज पढ़े हम उसका मतलब भी मालूम होना चाहिए, मतलब भी बता दूं आसानी से, जो मालूम हो जाए बता दूं। सुनना चाह रहे मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह का फरमान है ना, अल्लाह कहता है ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी जमीन, मिनहा इसी से खलकना हमने पैदा किया, कुम तुमको, काय से पैदा किया?
मिन्हा खलकनाक, एक मुट्ठी मिट्टी डाली, अल्लाह फरमाता हमने इसी से तुम्हें पैदा किया। वफीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें वापस करेंगे। कांधे पर रख के वापस करके नहीं आते, बोलो, कांधे पर रख के वापस करके आते नहीं आते। वफीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें वापस करेंगे। वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतल उखरा, और आखिरी मर्तबा फिर हम तुम्हें इससे निकालेंगे। कितनी प्यारा, कितना अच्छा मतलब है और कितनी अच्छी आयत है। कल से ही लग जाओगे मोबाइलों में भर लेना, ये याद कर लेना। पहली मुट्ठी की क्या, मिन्हा खलकनाकु वफीहा नुईदुकु वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब शायर लोगों ने अपनी अपनी तमन्ना आरजू की है ना, कोई कहता है मदीने में, काश मेरा मदीने में इंतकाल हो जाए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मगर सैयद साहब, वो भी सैयद साहब हैं जिन्होंने लिखा है, सैयद आले रसूल सैयद मुजफ्फर मियां कछोचा शरीफ की, इन बुजुर्गों में से किसी ने देखो, एमपी थे कछोचा शरीफ के सैयद साहब, उन्होंने कहा था। और इन्होंने तो बहुत ही देखा होगा, हमारे मौलाना एहसान उल हक साहब ने मुजफ्फर मियां कछोचा शरीफ के, उनके साथ में भी रहे, समझे, ये भी बहुत पुराने चावल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। इनका अखलाक इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा, जबकि हम इनके बच्चों की उम्र के हैं, मगर हम सब लोग आपस में एक दूसरे से अखलाक और उसने अखलाक से बात कर लेते। वो क्या कहते हैं, मोतिया जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। पीछे वालों हाथ मत उठाइयो, देखो बड़ी मुश्किल से भड़काई आ रही है, मगर सुभान अल्लाह कहोगे तो जिसमें गरमाई भी आएगी, सुभान अल्लाह तो जरूर बोलोगे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मोतिया जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मोतिया जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, कहिए आमीन। मोतिया जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। वो जो बच्चा गया ना, वो बच्चा देखो मोहम्मद असलम यही है। मोतिया मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों में खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है के लफ्ज़ों का खजीना लिख दो। कहिए या रसूल अल्लाह, कौन कहता है के लफ्ज़ों का खजीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो,
मदीना लिख दो नबी से। अच्छा जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, मुझको अंबा को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। तो दो चीजें आपके जहन में गई, अच्छा दो चीजें आपके जहन में गई, एक तो कल से ही सुबह से ही इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे और नमाज जनाजा की तैयारी में लग जाएंगे, मतलब सीखेंगे, ठीक है ना। और दूसरी जो मैंने बताई थी पहले, गुस्ल और कफन, इन चीजों के मसाइल और तरीका हम सीखेंगे। बोलो इंशाल्लाह। इन ये तीन बातें पहले लेकर के चलोगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मिट्टी देने की दुआ मैंने बता दी, मिलहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिलहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब इसका तरीका भी हो गया, अब सुनो, अब ये हमारी यहाँ की जिंदगी। तो मैंने जो बताया था ना, एक हमारा ये क्लास है, एक हमारी घंटी है, एक हमारा सबक है। नमाजें हम यहां पढ़ेंगे तो रोजे यहां रखेंगे, अच्छे काम यहां करेंगे, इसकी जजा हमें कहां मिलेगी, हमारी जिंदगी कहां बनेगी, वहां आखिरत में। समझ में आ रही है, हमारी जिंदगी क्या बनेगी बोलो, आखिरत में। एक हो गई माँ के पेट की, वो अल्लाह के जिम्मे, दूसरी ये दुनियावी। अब यहां पे जो हमें भेजा गया है, हमें और आपको इम्तिहान के लिए भेजा गया, ये क्या बोलो, हमारा आपका इम्तिहान है। वैसे इबादत के लिए, किसके जरिए, इबादत के जरिए, समझ में आ गई। मगर क्या हमारा और आपका क्या बोलो, इम्तिहान है। अगर इम्तिहान में हम फेल हो गए तो कब्र में जाने के बाद अब ये जिंदगी नहीं मिलेगी। आंख बंद होने के बाद वहां पर नमाजें पढ़ने का मौका नहीं, रोजे रखने का मौका नहीं। जो दुनियाई पे कर लोगे अगर अच्छे अमाल होंगे तो वहां पे तुम मालदार होगे, और अगर अच्छे अमाल नहीं होंगे तो वहां पे परेशान रहोगे। और मरने के बाद जब जिंदा किया जाएगा तो उसके बाद फिर मौत भी नहीं आएगी, उसके बाद फिर क्या नहीं आएगी बोलो, हुम फीहा खालिदून। वो जैसे उसके अमाल होंगे उसमें फिर हमेशा हमेशा रहे। समझ में आ रही बात मेरी, उसके बाद मौत नहीं आनी है। अब चले गए, सारी चीजें हमारी यहीं पर रह गई, दुनिया से ताल्लुक तुम्हारा खत्म। अब 7 एकड़ जमीन हो, 2 एकड़ जमीन हो, अब तुम जोतने नहीं आओगे,
जो हमारी औलाद रह गई, वारिसीन रह गए, या लप्पर डुक्की करने वाले जो भी रह गए, वो उसे जोते बेचे कुछ भी करे, तुम्हारा ताल्लुक खत्म। घर में वो जैसे चाहे पेंट करे, पत्थर लगाए, कुछ भी लगाए, तुम्हारा ताल्लुक खत्म। सारी चीजों से ताल्लुक खत्म, मगर ये मगर करके रोक रहा हूं, मगर जाने वालों का जो दुनिया से चले जाते हैं उनका सारी चीजों से ताल्लुक खत्म हो जाता है, मगर तीन चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता है। कितनी चीजों से बोलो? तो यार हम ऐसा काम करके जाए ना ताकि ताल्लुक जुड़ा हुआ रहे। इल्ला सलास का लफ्ज आया हदीस शरीफ में, क्या है बोलो? कितनी चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता बोलो? अच्छा वो कौन सी? दुनिया पे करेंगे वहां पहुंचेगा ताल्लुक क्या क्या? अब मैं बताता हूं, जहन में रखना ताकि तुम में से कोई काम ऐसा कर जाए ताकि इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाए। ताल्लुक जो रहता है सुनो, कोई भी तुमने अच्छा काम कर दिया, मिसाल के तौर पर मदरसा बना दिया, ठीक है, ये मौलाना लोग हजरत की गाड़ी जो घूमती रहती है, अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया है, मगर ये गाड़ी वगैरह जो घुमा रहे हैं और ये सब मदरसे का काम कर रहे हैं, ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं, इन्हीं के यहाँ सब पढ़े हुए, समझ में आ रही? ये सब पढ़ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ये सब यही रह जाएगा? लेकिन नहीं, ये मदरसा बना गए, या तुम मदरसा बना गए, तुमने ये काम कर दिया, तुमने मदरसे की बुनियाद डाल दी, अच्छा काम हो गया। अब जब तक भी ये मदरसा चलता रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे, हाफिज होते रहेंगे, जा जा कुरान सुनाते रहेंगे, तुम जिसने मदरसे की बुनियाद डाली बनाया था उसे 15-20 साल कब्र में होंगे, मगर जो भी उस मदरसे से पढ़ के जाएगा, जहां जा कुरान पढ़ेगा तो सवाब इन्हें भी पहुंचेगा। इसको बोलते हैं सवाब जारिया। ये चीज का ताल्लुक खत्म नहीं होगा, ये ताल्लुक खत्म नहीं होगा, समझ में आ रही? तो अब क्या करके जाना है? कोई ना कोई अच्छा, और कुछ लोग क्या करते हैं, और हाँ अजाब जारिया भी होता है, ये भी एक पहलू बता दूं। जैसे किसी ने कोई गलत काम की बुनियाद डाल दी, मिसाल के तौर पर ये चौक बनाया और उसने ये बुनियाद डाल दी, अब यहां पर हर साल 10 दिन ढोल बजा करेगा, समझ रहे बात मेरी? या कोई नाचने वाली औरतें आएंगी, समझ रहे मेरी? या बहुत सारे गलत काम, शराब का अड्डा बना दिया, अच्छा लोगों से कहो लोगों मैंने एक क्लब बनाया उसमें आओ, 100 रुपए लगाओ, 200 लेके चले जाओ, मतलब जुए का अड्डा जिसको बोलते हैं, ऐसा अड्डा बना दिया। अब वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहाँ ढोल बजता रहा, बजता रहा, तो इधर ढोल कुट रहा, उधर कब्र में वो कुट रहा है। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं बड़ी सीधी एक सादी तकरीर करना चाहता हूँ। कोई भी गलत काम, तुमने शराब की भट्टी या हट्टी, हट्टी बोलते भट्टी बोलते, पहले भट्टी में फिर ये हट्टी, तो हो गए हट्टी, समझे? पी भट्टी में, ये हट्टी तो हट्टी, मुझे लगता है भट्टी हट्टी दोनों ही होंगी। शराब पी के अगर आ जाता ना तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। अगर हाँ तवज्जो रखो, थोड़ा सब्र भी करा करो, अगर कोई गलत काम की बुनियाद डाल जाए तो वो कब्र में जाएगा, मगर उसका अजाब उसे पहुंचता रहेगा। समझ में आ रही बात? समझ रहे मेरी बात? तो आज से अपनी जिंदगी काय पे लगाना अच्छे कामों में। ये सोचे यार मैं कौन सा अच्छा काम कर गया, मस्जिद बन रही है, अगर उसने मस्जिद बनवा दी, समझे, अगर उसने मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में लगा दिया, तो जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक उसे सवाब मिलता रहेगा।
अजानें होती रहेंगी, नमाज अजानें होती रहेंगी, सवाब मिलता रहेगा। रमजान में कुरान की तिलावत लोग करते रहेंगे, कुरान शरीफ अगर तुमने रख दिया तो सवाब मिलता रहेगा। एक रिवायत हजरत आ रही है जहन में, रिवायत बताऊं, एक बड़ी प्यारी रिवायत है। वो रिवायत ये है, अच्छा किताब मैंने जो पढ़ी ना हजरत नुज़हतुल मजालिस में पढ़ी ये रिवायत, उसके बाद मैंने कई किताबें ढूंढी तो हाथ नहीं आई, ये भी मैं साफ कर दूं नुज़हत, मगर मुझे अच्छी लगी और फजाइल में बयान कर रहा हूं बतौर इस्लाह। नुज़हतुल मजालिस में मैंने खुद पढ़ी है, उसके बाद और बहुत सारी किताबें जहां तक मेरी पहुंची मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिली वो रिवायत, मगर उसमें है। बतौर इस्लाह हिकायत बयान करता हूं ऐसे समझ लो, ताकि हमें नसीहत हासिल हो जाए। महशर, अब लोग पुल सरात से गुजरेंगे, पुल सरात वो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसका नाम क्या, पुल सरात, ठीक है, उस पे से सबको गुजरना है तब जन्नत में पहुंचेंगे। तो जैसे जिसके आमाल होंगे वैसे ही उजाएगा, समझ रहे, जैसे जिसके आमाल होंगे वैसे ही उजाएगा। तो उस वक्त में ऐलान होगा, जब लोग पुल सरात से गुजर रहे होंगे, ऐलान क्या होगा, जब नमाजी आएंगे तो ऐलान होगा कि नमाजी लोग ठहर जाए, नमाजी ठहर, अब हुक्म दिया जाएगा नमाजियों के लिए सवारी लाई जाए। तुम अपने से आईफोन को अंदर ही रह दो, बार बार उसको निकाल लेता है और लोग तवज्जो करते हैं, रखो जेब में, तवज्जो रखो मेरी तरफ ताकि बात निकल ना जाए, क्योंकि जहन है पहुंच जाता है उधर उस तरफ। अब मत निकालिए बेटा, अच्छा हाँ ठीक है, अगर और बात काई कर रहे, कह रहे रोटी वाला शेर कह दो, क्योंकि उसने अभी खाना नहीं खाया, समझ रहे सैयद रिजवान मियां साहब, इंतजाम रखियो पक्का। बहरहाल चलो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा, बात निकलना जाए। अब महशर में वो उसमें पुल सरात पे लोग गुजर रहे होंगे, सजा के अपने आमाल के एतबार से हुक्म होगा नमाजियों की सवारी लाई जाए। अब लोग सोचेंगे, तुम सोच रहे हो यार टुक टुक होगा, घोड़ा तांगा होगा, समझे, ट्रेनें होंगी या मेट्रो होगी या क्या होगा, नमाजियों की सवारी बुलाई जाए, फरिश्ता निदा देगा तो सारी जितनी भी दुनिया भर की मस्जिदें आएंगी वो सारी मस्जिदें हरम शरीफ में जम हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सुभान अल्लाह, बोलो, काबे वाली जो मस्जिद है ना जिसमें काबा है, समझ रहे, उसमें सारी मस्जिदें जुड़ जाएंगी, हुक्म होगा पुल सरात पे वो मस्जिदें आ जाएंगी, हुक्म होगा नमाजियों अपनी सवारी में दाखिल हो जाओ। सारे लोग मस्जिद पहुंच जाएंगे, अब जब पहुंचेंगे तो अब इसका ड्राइवर कौन होगा, ड्राइवर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ लो आसानी से। हुक्म होगा बुलाया जाए, अब इमाम साहब को बुलाया जाएगा, इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हो जाए, बैठ जाए मुसल्ले पे बैठ जाएंगे, अभी कंडक्टर की जरूरत है। अब मौज़िन साहब को बुलाया जाएगा, मौज़िन साहब को हुक्म होगा अज़ान पढ़ दो, मौज़िन साहब अज़ान पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर,
अजान पढ़ते चले जाएंगे। अब लोग सर नीचे होंगे, आंख बंद होंगी, अजान सुन रहे होंगे, अजानों का जब अजान का जवाब दे रहे होंगे, पूरी अजान होगी, मौजिन साहब ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचेंगे, आंख खोल के देखेंगे तो वो मस्जिद पुल सरा अल्लाह पता भी नहीं चलेगा। अब तुम लोग मस्जिदों से इतना भागते हो, इतना भागते हो, जुमे के दिन धोखे में चला भी जाता ना हजरत, तो ऐसा भागता है उनकी जूती गिराई उनकी गिराई जैसे कोई काट लेगा इसे। सही बता रहे हो, मैं ऐसा भागता, वैसे आधा घंटा तक आराम से मस्जिद के बाहर खड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस मस्जिद। और अब तो एक नया फैशन निकला हजरत, नफल नहीं पड़ता, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं पढ़ता। ये सोचता ना, मैं अगर नफल नहीं पढ़ूंगा तो लोग ये कहेंगे यार ये पढ़ हुआ बहुत है भाई, इसको मसले मालूम है मसले, और इसका तो मसला और तसला ना वही निकलेगा। अजय तसले वाली बात समझ गए होगे, इसलिए ज्यादा हंस रहे हो, मुझे मालूम है। सब आई पे निकल जाएगा कब्र में। आज के बाद मस्जिदों से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह। बोलो एक कितना प्यारा सुहाना वक्त होता है ना फजर में, सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा हजरत, जब मैं कुरान शरीफ सुनाया था ना रमजान में, तो फजर की नमाज पढ़ानी होती है, तो मैं ज्यादातर सूरह रहमान पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है, दो चार गिर जाएंगे तो मुझे मजा इसलिए आता ना, एक तो उत्तर डैम से उठे ना तो आवाज थोड़ी थोड़ी फटी फटी सी होती है हल्की हल्की, मगर बड़ी प्यारी निकलती है सुबह सुबह में आवाज, कि सो गुड ना इतनी, मतलब सुबह का वक्त सन्नाटा एक तो छाया हुआ होता है, और फिर सूरह रहमान, और फिर नमाज में जूम जूम जब पढ़ते ना तो इतनी शानदार सुबह की फजर की अजान कितनी प्यारी लगती है तुम लोग, मगर तो उसी को तो प्यारी लगेगी जो सुनेगा रात के दो दो बजे तक, वही मोबाइल पे कमरिया मटका रहा है, ये गाने सुन रहा है उल्टे सीधे, पता नहीं कौन कौन से लाया है गाने ऐसे सुन रहे हैं। अब तीन बजे दो बजे सोने वाला, फजर में आंख खुलेगी उसकी, तुम खुद बताओ। फजर में आंख नहीं खुलेगी उसकी तो उसे क्या पता। ये पुराने लोग ईशा की नमाज पढ़ते ही खाना खाते ही सो जाते थे, जब सो जाते थे तो सुबह अजान से पहले ही उठ जाते, और जब मौज़िन साहब प्यारे अंदाज में फजर की अजान पढ़ते हैं, चीव 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 करती आवाज जाती, कितना मजा आता है यार, बोलो आता नहीं आता मजा। तो फजर में तो उठा करो, और हाथों से धुआं निकलता होता है, और वजू बनाते होते हैं, मिसवाक करते होते हैं, वजू बनाते होते हैं, समझे चेहरा धोते होते हैं, कोई वजू बना के कोई मोजे पहन रहा है, कोई सूसू सूसू करके ना, ये अंदर की जो बनियान होती है गर्म, यार ये जायका अलग होता है, कितना प्यारा जायका होता है। और अपने इधर तो ठंड भी अच्छी होती है, राजस्थान वगैरह में तो ये ठंड का मजा है ही नहीं, या तो फजर में ना जब जाओ ना वुजू बना के, तो कितनी अच्छा अंदाज़ में मिसवाक कर रहा है, मिसवाक करके वुजू बना रहा है, चेहरे से धुआं उठ रहा है, और कई मस्जिदों में तो बहुत सारी मस्जिदों में गर्म गर्म पानी निकलता, पानी गर्म कर देते, कहीं कहीं मोटर चला देते, कहीं कहीं ठंडा भी होता ना तो उस पे भी हाथों से धुआं उठता, धुआं कितना प्यारा। अब सूसू सूसू कर रहे हैं, कोई उधर खड़ा है, ये अल्लाह तेरा शुक्र, ये अल्लाह तेरा शुक्र, जल्दी से कपड़े चादर क्या क्या एकदम, फिर जाकर नमाज पढ़ता, क्या यार शानदार जायका और मजा होता। मगर ये मजा सबके लिए नहीं है, दिल लगा लोगे ना अगर मस्जिद से, दिल लगा लोगे तो तुम फजर की नमाज में लाजमी उठोगे लाजमी। हम अगर ना आदत बन गई है, हजरत हैं मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे, हम लोग ये उलमा लोग चार बजे भी अगर सोते हैं ना हम लोग प्रोग्राम से, अगर साढ़े चार बजे भी, समझ में आ गई, तो फजर में अगर आंख भी लग गई तो फजर में उठना लाजमी है, तुम भी अगर आदत बना लोगे तो तुम्हारी आंख खुलना लाजमी है, वो बात अलग है। तुम मकड़ी आ जाओ, अम्मा कह रही उठना इधर को उठना, ऐसे भी कुछ लोग हैं समझे, इधर उधर मकड़ी आते रहते हैं, ये ऊ करते रहते हैं। नहीं चलो बात आगे ना निकल जाए, मस्जिद की बात चल रही थी, और
हूं। एक दिल में एक तमन्ना और रखो यार, एक तमन्ना और रखो। ये दिल में तमन्ना रखा करो, आका मौला तूने ना आंखें दी हैं, तो एक मर्तबा इन आंखों से ना जिस काबे की तरफ को जिंदगी भर मुंह करके नमाज पढ़ता रहे, ऐ अल्लाह इन आंखों से जीते जागते में तू अपने घर का दीदार करा दे। और मौला जहां ना सरकार के रोजे पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम दुरूद और सलाम पढ़ने आते ना आका के रोजे पर, जो मिट्टी जमीन जगह मेरे नबी के जिस्म पाक से टच है वो खाने काबा से अफजल है। ऐ अल्लाह तू मुझे इतना दे दिए या कोई सबब बना दिए, इन आंखों से जीते जागते एक मर्तबा तेरे महबूब के रोजे का दीदार जरूर कर। हरम शरीफ में हजरत जब हम शाम को आके बैठते थे ना, तुम एहसास करना मेरी इस बात का, बिल्कुल मुबालगा नहीं है, शाम के टाइम पे एहसास करना, जैसे कोहरे में आप जाएंगे तो हल्की हल्की फुहार बरसती है ना, फुहार वहां पे चेहरे पे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज बरस रही है, ये चेहरे पे महसूस। तुम जाके देखना वहां पे और हरम शरीफ में जरूर बैठना, और सरकार के रोजे पे मैं तो कसदा दिन में तो रहता ही था मगर सुबह शाम जरूर जाता था, सिर्फ इसी नियत से कि ये हदी रहमत की बरसात और फिर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं, तो चाहे भले वो लोग मौका नहीं देते उधर जन्नतुल बकीक से ना उस तरफ से खड़े होकर के वही वहां किसी से लड़ाई मत करो, बहस मत, 15 दिन मिलते हैं यार, 15 दिन में क्या लड़ाई बहस। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बकवासी, वो सब उल्टी पुल्टी बातें, नहीं कोई मतलब नहीं, हम सरकार बस जहां मौका मिल जाए, आका आपका गुलाम आया, जुम जुम के सलाम पढ़ो यार, थोड़ा दूर होकर के पढ़ो, समझे, अगर वहां मौका नहीं दे रहे दूर होकर के पढ़ो। चलो अब बात ये चल रही थी मस्जिद की, मस्जिद का जायका बताओ और जायके के साथ साथ एक सवाब की बात बताऊं। एक मिनट में तुम लोग कितनी सांसें लेते हो, बहुत सारी सांसें ले लेते हो, मुझे लगता है सही है साहब 40-50 सांसें तो ले ही लेनी है हजरत, 40-50 सांसें, और आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट में 1500 सांसें हो गई और एक घंटे में 3000, एक आईडिया अंदाजा। मगर सुनो मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाया करो, नहीं बोलोगे सुभानअल्लाह, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाया करो, अल्लाह के घर में आ गए, हसद की ना बगावत दिल में नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में आकर के बैठ जाए, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली आकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं बैठने वाला जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला हर हर सांस पे उसको 400 नेकियां अता फरमाएगा। चौराहे पे बैठने से मिलेंगी इतनी नेकियां, बोलो यार 24 घंटे में अगर इतना भी आधा घंटा जागे नमाज पढ़ ले और नमाज सब पढ़ के निकल गए, 10 मिनट बैठा रहे मस्जिद में बैठा रहे, खुद ब खुद इसके मिजाज में नरमी पैदा होने लगी, आजमा के देख लिया, खुद ब खुद जबान झूठ से और ज्यादा बोलने से रुकने लगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज से यह अमल शुरू कर दोगे, पाक रहना, 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी है, वो तो फर्ज है, जो लोग नमाजी है ना उनके लिए भी बड़ा प्यारा मौका, इशा फजर में जा रहे हैं ना, वुजू बनाया जल्दी उठ गए अपनी हाजतों से फारिग हुए, पेशाब वगैरह जो भी हाजत है एकदम फ्रेश हो गए, गर्म पानी पियो एक दो गिलास,
समझे, एक दो गिलास मतलब वजू बना के मिसवाक वगैरह करके सब गर्म पानी पियो, सारी चीज फारिग हो और जा करके अब मस्जिद में बैठ जाओ, जो कुरान शरीफ पढ़े हुए ना तो सूरह यासीन पढ़ने लगो, सूरह रहमान पढ़ने लगो, कुरान शरीफ का पाव सिपारा पढ़ लो, आधा सिपारा पढ़, एक कोने में भीनी भीनी आवाज में धीरे धीरे आवाज में पढ़ते जाओ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, मतलब भीनी भीनी आवाज में। उस वक्त ना कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, और तहज्जुद का टाइम होता ना अजान से पहले, नमाज शुरू होने से पहले दो रकात नमाज पढ़ के। लोग कहते ना कि हमें ये बता दो कि दुआ किस वक्त कबूल होती है, किस वक्त कबूल होती है। तुम दुकान में कोई चीज लेने के लिए जब जाओगे, जब दुकान खुली हुई होगी तभी तो मिलेगी, मार्केट अगर बंद हो तो मिलेगी, समझे। दुनिया सोती होती है, अल्लाह नींद से पाक है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ू सिनतुन वला नौम, उसको नींद नहीं आती, ऊंग नहीं आती, सारी दुनिया सो रही है, सब सो रहे हैं। तो मस्जिद में जाके दो रकात नमाज पढ़ के तहज्जुद की और कह रहे हैं अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा देना। उस वक्त ना बिल्कुल अल्लाह की रहमत तुम्हारे सर के थोड़ी ऊपर होती है, बिल्कुल करीब होती है अल्लाह की रहमत। उस वक्त अल्लाह कहता है कोई बंदा जो मुझसे मांगे, अल्लाह खुद है कोई ऐसा, अब तलब कर, तुम रो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों की मौलाए करीम बुराइयों से उनको बचा देना और उन्हें दीनी काम में लगा देना, अल्लाह ऐसा कर देना दुनियावी और आखिरती दोनों दौलतों से हमको माला माल फरमा देना, ऐसी दौलत ना देना जिससे हम गुमराह हो जाएं, ऐ अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा, और मौला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह जो चले गए उनकी मगफिरत फरमा दे, यार तो तुम कौम के भलाई के लिए कदम उठाओ। अल्लाह कहता है ना फरिश्तों से, कहता है देखो ये बंदा पूरी मेरे सारे बंदों के लिए मांग रहा, सबकी भलाई के लिए चाह रहा, तो इसकी भलाई मैं अपनी तरफ से करता हूं। अरे तरीका तो सीखो, मगर सारी चीजें दिखा देना, सारी चीजें दिखा देना। बोलो आज से शुरू हो जाओगे, पांच वक्त की नमाज पढ़ोगे और आधा घंटा या एक घंटा मस्जिद में जाकर के बैठा करोगे, बोलो इंशाल्लाह। अब ठंड इतनी ज्यादा हो रही है हजरत, मेरे मोजों में भी ठंड लग रही है, हवा निकल रही है ना तो इधर को, यहाँ इस जगह पर ठंड लग रही है। बस दो चार मिनट और बोलता हूँ। इन बच्चों को हजरत दुआ करना, वो आपके पास गए थे वहीं पे, मोहम्मद असलम और मोहम्मद कैफ, दो ही भाई हजरत और भी, मोहम्मद उवैस बहने हैं, आठ बहने। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन सब भाई बहनों की मौला हिफाजत फरमा दे, परवरदिगार उनकी माँ को भी सब्र अता फरमा और उनके बाप की मगफिरत कर दे। छोटा बच्चा ठंड के मारे क्या करे, लेकिन बाप उसके दवाए बैठे हैं। तवज्जो रखो मेरी तरफ, अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे लाया करो, लेकिन मस्जिद में इतने बड़े बच्चों को ले जाना नहीं, अच्छी जगह से। कहीं कोई ये सोचे कि सही साहब तो कहेगा मस्जिद तो अच्छी जगह, समझे कि मस्जिद तो अच्छी जगह, इसलिए मैंने फौरन रोक दिया, मैंने मस्जिद अच्छी जगह से मतलब जहाँ सीखें और उनको सही तरीके से। तुमने अगर 100 का नोट या 20 का या दिया तो उसके कान में कह के भेजो, बेटा दोनों हाथों से देना, बेटा अदब के साथ देना, तो फिर हमेशा दो तीन मरतबा आ जाएगा, सीख जाएगा, तो तुम इसके उस्ताद हो जाओगे, बाप होने का हक अदा कर दोगे, समझे। ऐसे ही मस्जिद में नहीं, जैसे 7 साल का बच्चा हो या उससे पहले उसको नमाज सारी चीजें, लेकिन घर पे तरबियत, तुम अपनी खेती के लिए सबके लिए टाइम दे सकते हो, आधा घंटा बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं दे सकते हो क्या? उसे खड़ा करो मुसल्ले पर, वहां खड़ा करो, वहां पे वो ये नूरुद्दीन मंजर है, मेरा बेटा है छोटा सा, आप तो जानते ही है, सैयद रिजवान भी जानते, इतना बड़ा है अभी, क्या साल का होगा, 5.5 साल के आसपास होगा, 5 साढ़े 5 साल का होगा। तो सैयद मुस्तफा हसन,
जब लॉकडाउन में कुरान शरीफ सुनाने नहीं गया तो मैं घर पे ही सुना रहा था। अब्बू थे मेरे और भतीजे और वो भी पीछे, तो मैंने कहा चलो आप भी पीछे खड़े हो उस तवा मियां चलो। अब उसे बेचारे को पता नहीं था, जब मैंने कहा ना मैंने नियत बांधी, मैंने कहा अल्लाह अकबर, तो वो मुझसे भी तेज आवाज में बोला बोला अल्लाह अकबर। अब बच्चों की हंसी रुकेगी क्या? फिर उसको मैंने पूरी पढ़ के फिर उसको समझाया, तो आज तक उसको बात याद है, बचपन की सारी बातें याद रहती है। तो बच्चों को सिखाया करो, माए अगर मेरी बहनें सुनती हो तो बच्ची जब 12 साल की हो जाए 13 साल की हो जाए उसको पाकी और नापाकी का तरीका बताया करें। ये बाप नहीं बता सकता, ये माई बताएगी। उसको ये बताएं, पूरी चीजों से आगाह करें, बेटी ये शर्म की बात नहीं है कि तुम सोचो ये शर्म की बात कर रहे हैं हजरत, शर्म की बात नहीं है कि बेटी महीने में एक मर्तबा जब लड़की या कोई भी औरत बालिग हो जाती है तो उसको खून आता है और वो खून नापाक होता है। उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान शरीफ को हाथ नहीं लगा सकते, समझ में? ये बातें बताएं और कितने दिनों तक, समझे? कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, और फिर उसकी आदत पर, बीच का मसला क्या, उसकी आदत पर 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन से कम नहीं। अगर 3 दिन से कम है तो वो भी बीमारी का खून होता है, 10 दिन से ज्यादा है तो वो भी बीमारी का खून होता है। समझ में आ गए? आप सोच रहे हो कैसी बात, ये बहुत बहुत जरूरी है, ये माओं को बताना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ ये बच्चा, हाँ तो हाँ बस मैं खत्म ही कर रहा हूं। तो माए क्या बताएंगी, तुम लोग अपने घर घर जाके बताओ, मियां बीबी क्योंकि आपस में बातें कर लेते हैं कि हमारी बेटी होशियार हो रही है, ध्यान रखना कब बालिग होगी। तो बालिग होगी उसको पूरा तरीका, बेटी कपड़े कैसे पाक रहेंगे तुम्हारे और कितने दिन में माँ समझ लेगी उसकी बेटी को, सारी बातें बता दे, समझे? ये मसाइल, और इतने दिन नमाज नहीं पढ़ सकती कुरान, फिर उसको नहाना, फिर नमाज, ये पूरे मसाइल ना कोई मौलाना बता सकता क्योंकि ये मर्दों के मसाइल, औरतों के मसाइल है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ या बहने कहीं अगर सुन रही है मेरी आवाज तो वो सुन ले, ये औरतों पर लाजमी है अपनी बेटी को बताए। हाँ ठीक ठीक, अपनी बेटी को बताना लाजमी है, जरूरी है, लेकिन बाप नहीं बता सकता, चचा नहीं बता सकता, भाई नहीं बता, या तो बड़ी बहन बताएगी या फिर किसी आलिमा को बुला करके, अगर खुद याद नहीं है आलिमा को बुला करके, या उर्दू पढ़ने वाली है तो बहार शरीयत, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, बहार शरीयत देख लें, या और भी किताबें हैं ऐसी जिनमें है, समझे? मुझे लगता है बहिश्ती जेवर में भी, समझे? सुन्नी बहिश्ती जेवर उसमें भी है, और भी दावत इस्लामी वालों ने भी किताबें निकाली हैं। हाँ इस्लामी बहनों की, हाँ नमाज उसमें भी, मतलब बहुत सारी किताबों में छोटी छोटी उर्दू की, वो अपने घर में रखे। और ये जरूरी मसाइल है, आज ये प्रोग्राम में बता रहा हूँ, याद रखना। 15-15, 20-20 साल की बच्ची हो जाती है, उसे ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, क्यों? उसकी माँ ने उसे नहीं बताया। ये किस पे जरूरी है बोलो? माँ पे जरूरी। जब बच्ची बड़ी होने लगे 12-13 साल की, तो माँ अपने हाथ से, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, हाजी जी, बस माँ अपने हाथ से उसको दुपट्टा उड़वाए, अपने हाथ से दुपट्टा ओढ़े, बेटी यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा ओढ़ते हैं, इसके अलावा मुसलमान की बेटियों का तरीका नहीं। ये किसका काम है? माँ का काम है। अगर यहाँ का गला खुला हुआ देख ले माँ, तो इधर आओ मेरा चांद, इधर आओ, अपने हाथ से वो गला बंद कर दे, चैन हो या बटन हो या कोई भी ऐसे करके चादर संभाल दे, आज के बाद यहाँ का जिस्म मैं तुम्हारा खुला हुआ ना देख लूं, अल्लाह की लानत बरसती है ऐसी लड़कियों को, ऐसी लड़कियां इस्लाम के खिलाफ कदम उठाती हैं, जिनका जिस्म दिखता है अल्लाह भी उनसे नाराज होता है, रसूलुल्लाह भी नाराज होते हैं, वो जिस घर में कदम रखती हैं बरकतें खत्म हो जाती, ऐसे उनको ये बातें बता के डराए तो कभी फिर वो अपना जिस्म नहीं खोलेगी। अब जैसे वो लड़की आई यहां तक की आस्तीन, बेटी इधर आओ, तुम इन आस्तीन में नमाज पढ़ लोगी? वो कहेगी हाँ माँ, ये तुम्हारी नमाज नहीं होगी। और जिस कपड़े से अल्लाह की इबादत ना हो तो मुसलमान की बच्ची उसे पहनेगी? बोलो, नहीं पहनेगी। ये माँ, ये मसले कौन बताएगी? कौन बताएगी? माँ। माँ को जरूरत है, मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं माओं को, इसलिए ज्यादातर मेरे तकरीर में ये टॉपिक रहते हैं, मगर ये मसाइल ऐसे हैं, ये माँ ही को अपने हाथ से उन्हें बताना नहीं, अपने हाथ से करके दिखाना है।
अपने हाथ से उन्हें करके दिखाना, क्योंकि वो उसकी बेटी है। ये माँ ही कर सकती है, सिर्फ माँ। बहुत सारे मसाइल, माँ को तैयारी करनी चाहिए। अब माँ उसे रोटी बनाना सिखाए, माँ उसे हर तरीके का सालन बनाना सिखाए, बीच बीच में बता बेटी देखो तुमने इसमें ठोकर मार दी, गलत बात है, उठा कर रखो एक तरफ, ठोकर नहीं मारना, ठीक है माँ। बेटी ये झूठे बर्तन देखो, झूठे बर्तन तुम रात को तुमने ऐसे ही छोड़ दिए, ये गलत है, अल्लाह की बहुत सारी मखलूक होती है। बेटा बर्तन साफ किया करो, ये भी मगफिरत के लिए दुआएं करता है, समझे कि बेटी दो मिनट लगेंगे, ठंडे तो गर्म पानी लो, मैं खड़ी हूँ, धो ऐसे धो, इसको साफ करो, समझे। बेटी तुम लेटी, तुमने वजू बनाया बेटा कि नहीं बनाया? अच्छा ठीक है। हर लड़की तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और ये दुआ करे आका का दीदार। तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, सारे बच्चों से अगर पूछना शुरू कर दे उन बच्चों की आदत, फिर बच्चे आपस में कहेंगे अम्मी अप्पी ने नहीं पढ़ा, बाजी ने नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, उनको एक जहन मिलेगा। ये बातें घर से क्यों खत्म हो गई? इस्लामी बातें। अच्छा बेटा तुम आए, तुमने हाथ धो, नहीं गलत बात है, रसूलुल्लाह नाराज होते, जाओ चलो वहां पे हाथ धो के आओ। ये नहीं उसके दो थप्पड़ मार दिए, नहीं इतना उसको लेके गए, संभाल के प्यार से गए, चूमते हुए गए, चूमने के बाद उसको देखो ऐसे ऐसे हाथ धोए ना, यहाँ ला के बिठा ला, बिस्मिल्लाह अब पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। दुआ याद हो रही, समझे? हाँ, आपने हाथ धोए, आपने धोए, आप। अच्छा बच्चा झूठ नहीं बोलता, फौरन कहता है अम्मी इन्होंने नहीं धोया। अगर कोई घोटाला करना भी चाह रहा तो बच्चा पकड़वा देता है, फिर वो कहीं भी खाना खाने जाएगा ना, तुम्हारी इतनी इज्जत कहीं गई, बच्चे अम्मी ये बैठ गए, खाला आई है इन्होंने हाथ तो धोए नहीं, फुप्पो साहब आई है फुप्पो साहब इन्होंने हाथ तो धोए नहीं, अम्मी चाची आई इन्होंने हाथ नहीं धोए, रसूलुल्लाह नाराज होते हैं, उसे कितनी शर्मिंदगी होगी। अगर ये बातें तुमने अपने घरों में शुरू कर दी तो तुम कामयाब हो जाओगे। बोलो आज से ये बातें शुरू करोगे? छोटी छोटी बात। अगर कोई बच्चा कपड़े पहन रहा तो बेटा कपड़े पहनने का तरीका मालूम है? पैजामा पहनने का, बैठ के पहनो, ठीक? अच्छा ठीक ठीक, बैठ गए, पहले दहना पांव डालो, मतलब माँ या बाप उसका टीचर, उसका खेल है साथ में खेले और बताए उसको नहीं, चलो उतारो, गलत, इधर बैठो, ऐसे बैठते, अब दहना पांव डालिए, दहना पांव कौन सा है? इधर वाला, इधर वाला, वो कहेगा इधर वाला, नहीं इधर वाला, राइट, इधर वाला, सीधा, जो भी आपकी जबान में ये डालो। अब वो पूछेगा दहना ही पांव क्यों डालना है, पहले बायां क्यों नहीं डालना? इसलिए कोई भी अच्छा काम करो तो दहनी तरफ से करो, मतलब बता सकते छोटी छोटी बात, उसके जहन को ना जहन साजी करो, फिर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, हिंदी मीडियम पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, सारी चीजें बनेगा, मगर ये जो असल चीजें ना तुम्हारे बच्चे की घुट्टी में आ जाएंगी, इंशाल्लाह कामयाब होगा। बोलो होगा नहीं होगा? और ये कोई मौलाना नहीं करेगा, ये कोई मौलाना नहीं करेगा, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये किसे करना पड़ेगा बोलो? आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों का हक मत मारना, हक अदा करना, समझा? उनके साथ आधा घंटा खेला करो, हर बहुत गुस्से में नहीं रहा करो। और एक बात बताऊं, बच्चों के सामने मियां बीवी लड़ा मत करो। बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चों के सामने माँ बहन की गालियां बक रहा, बच्चा मुंह सुखा के सुन रहा, माँ की गाली, बहन की गाली, कभी जूता पकड़ दिया, कभी डंडा पकड़े, वो भी दुपट्टा फेंक के फन्नाए फिर रही है, उसका भी आलम। जब तक इसकी भी सर्विस नहीं होती, ये भी चुप नहीं होती, ये भी दो चार अंडे खाती है ना वो चप्पलों वाले, तभी इसका भी गुस्सा भी ठंडा। अब आराम से बैठी है, बोले मैं कुछ कह रही हूँ क्या? अगर पहले ही मान जाती तो क्या था, अब कुछ कह रही है तू? जब तक तजर्बा इन्हें भी काफी हो गया लग रहा, समझे? तो बहरहाल तवज्जो ये है, अभी मेरे बाद इनकी नात शरीफ होगी, तुम्हारी नात शरीफ होगी ना? नहीं मैं, तुम्हारी नात शरीफ होगी मेरे बाद, हाँ, लेकिन नात ही होगी। हाँ, तो अब बोलो ये काम करोगे तुम लोग, साथ दोगे मेरा? जो चचा है ना, चचा भतीजों से खेलते हैं, प्यार करते हैं, उनको यही बातें सिखाओ,
यही बातें अच्छी अच्छी जो फुप्पो है फुप्पो जहाँ कहीं भी उनको भी चाहिए यही बातें सिखाए समझे। एक पूरा घर उनका टीचर बन जाए, कोई भी काम गलत होने ना दे, सारे काम जिंदगी के घर में ही आ जाते हैं, वो आ जाते नहीं आ जाते, अपनी चीजें भी याद हो जाती हैं, बच्चों की भी चीजें याद हो जाती हैं। आज से ये करोगे बोलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी और वो बच्चे मोहम्मद असलम मोहम्मद कैफ और मोहम्मद उवैस अल्लाह उनकी बहनों को माँ को सबको सब्र अता फरमाए। मेरे मौला परवरदिगार आलम हम सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, मस्जिदों से मोहब्बत करना, किसी को तकलीफ मत देना, बड़ों की इज्जत करना, ठीक है, जिधर से गुजरो सलाम करो, चंद दिन है जिंदगी के यार मुस्कुरा के गुजार दो, ठीक है, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को तकलीफ मत देना, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक, जो गलती हो मौला ताला माफ फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इनकी नातों की कहां जा रहा हूं, थोड़ी देर और बैठ जाओ।